देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल नए तरह की गुजिया। तो ये गुजिया हमारी बनी है रस भरी, और ये नए तरह की इसलिए है क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर, दूध, मावा इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। बिना मावा, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर से हमने ये गुजिया बनाई है। तो कैसे बनाई है चलिए हम दिखाते हैं आपको। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आप बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं उसी तरह से हमें भी सपोर्ट करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये रसभरी गुजिया। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आटा गूंथ लिया है मैदा, और ये हम बना रहे हैं गुजिया बिना दूध, बिना मावा से। तो ये हमने थोड़ा सा नारियल कस लिया है, ये देखिए कद्दूकस कर लिया है, और ये थोड़ी सी दालचीनी, काजू और थोड़ी सी किशमिश, किशमिश को हमने बारीक काट लिया है, और ये हमारी सूजी। तो सूजी को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं, और ये जो हमारे काजू और दालचीनी है इसको हम मिक्सर में हल्का सा पीस लेंगे दरदरा। तो जैसा कि हमने बताया, बिना मावा बिना दूध के हम बना रहे हैं गुजिया, तो उसके लिए हमने ये डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी। अब इसमें हम सूजी को रोस्ट करेंगे क्योंकि हम दूध नहीं मिला रहे हैं, बिना दूध से बना रहे हैं गुजिया। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और धीमी आँच पर करेंगे, अच्छे से इसको हम रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए सूजी हमारी भुंज गई है, ये देखिए इस तरह से हमने सूजी को भुंज लिया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये ब्राउन हो गई है, अभी अच्छे से भुज गई है। तब इसको हम बना लेते हैं, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी किशमिश है, कसा हुआ नारियल, और जो हमने थोड़े से मेवे और जो पीसे हैं उसको भी इसी में हम डाल देते हैं। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, इसमें हम चीनी भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम चाशनी में बनाएंगे गुजिया को। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी गुजिया में भरने वाली फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसको हम रख देते हैं और हम बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो ये हमने पूड़ियाँ बनाने के लिए रोटी बेल ली है। ये मैदा हमारा बच गया था क्योंकि हमने शक्कर पारे बनाए थे, वही मैदा हमारा बच गया था, तो उसी से हम बना रहे हैं। और इसमें कुछ नहीं पड़ा है, बस हल्की सी इलायची पड़ी है, इलायची पाउडर, और वही मोवन जैसे कि हम गुजिया के लिए बनाते हैं तो वैसे ही। और इसको हम अच्छे से बेल लिए हैं हल्का सा पतला, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम कट कर लेंगे, आप गिलास से या कटोरी से किसी से भी कट कर लें, तो हम इसको कटोरी से कट कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसकी 3-4 पूड़ियाँ कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पूड़ी इस तरह से रखी, और इसी पे हम रखेंगे 1 चम्मच हमारी जो फिलिंग है इस तरह से। इसको अच्छे से इसे दबा देंगे और हल्का सा पानी हम लगाएंगे चारों तरफ, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और इस तरह से इसको हम उठाएंगे, और ये देखिए इस तरह से इसको हम दबा देंगे ऐसे। इस तरह से दबा देंगे, अच्छे से चिपक जाएगी। तो ये जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी नहीं, और पानी ज़रूर लगा लें वरना ये खुलने का इसमें डर रहेगा। और इसमें हम हल्की सी डिज़ाइन बना देंगे, आप चाहे तो इस तरह से जैसे वो डिज़ाइन बनती है इस तरह से ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से चम्मच से बना दीजिए इस तरह से। ये देखिए, कोई कहेगा कि ये बिना सांचे की बनी है गुजिया, ये देखिए। तो सेम इसी तरह से हम बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हम बना रहे हैं हाथ से डिजाइन, ये देखिए इस तरह से। पर दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं वीडियो, आप लोग भी हमें सपोर्ट करें जैसे आप बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं। चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है पर व्यू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये देखिए, जो हमारी कला है वो हम दिखाते हैं आपको, और हमें कमेंट में बताइए कि हमारी ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये हाथ से डिज़ाइन बनाई, और एक हमने ये चम्मच से दिखाई है आपको बना के, बिना सांचा के हमने गुजिया बनाई है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारी गुजिया बना के रख ली है, और ये देखिए हमने 2 तरह की डिज़ाइन भी बनाई है। चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। गुजिया फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने डाल दिया है घी, जिससे हमने मोमो लगाया था उसी घी से हम बना रहे हैं। और ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे गुजिया, और इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे
इस तरह से, ये देखिए। और तब तक हमारी गुजिया पक रही है तब तक हम देख लेते हैं इसके लिए चाशनी। तो ये देखिए हमने चाशनी बनाने के लिए रख दी थी, ये हमारी एक कटोरी चीनी है और ये एक कप पानी। तो ये चाशनी हमारी बन जाएगी तो गुजिया को इसी में हम डक करेंगे। तो ये देखिए गुजिया हमारी अच्छे से पक गई है, ये देखिए इस तरह से हमें पकाना है। और ये देखिए किसी भी तरह से ये गुजिया हमारी फूटी नहीं है, ये देखिए। तो इस तरह से हम बना लेते हैं बाकी की गुजिया। देखिए चाशनी हमारी अच्छे से पक गई है, और जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं चाशनी, सेम उसी तरीके से हमारी चाशनी बनानी है। तो इसमें अपन डाल देते हैं अपनी गुजिया। तो इस तरह से हम एक एक करके इसमें डाल देंगे सारी गुजिया को। तो देखिए अच्छे से हमने गुजिया को भिगो दिया है चाशनी में, इसको हमने चम्मच से चला भी दिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये देखिए चाशनी में हमारी अच्छे से गुजिया भीग गई हैं, ये देखिए बहुत ही रसीली हमारी ये गुजिया बनके तैयार हुई हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको हम सजा लेते हैं। लीजिए दोस्तों ये हमारी रस भरी गुजिया बनके तैयार है, और इसको हमने थोड़ा सा काजू से सजा लिया है, क्योंकि हमारे पास पिस्ता नहीं था इसलिए हमने काजू से ही सजा दिया। देखिए देखने में कितनी ही लजीज लग रही है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक तोड़ के गुजिया हमारी, देखिए। ये देखिए हमारी गुजिया बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से बनाइए गुजिया होली में, जो दूध नहीं खाता है मिल्क नहीं खाता उसके लिए। तो दोस्तों हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।